हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है कंप्लीट रेस्ट, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जो रेगुलर हैं। अगर आपने मिस किया है तो पहले पूरी चैलेंज कंप्लीट करें, उसके बाद रेस्ट। लास्ट फ्यू डेज से हम लोग काफ़ी इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं। वीक में एक से दो दिन बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आज रेस्ट करें, एंजॉय करें। आज हम बात करेंगे डाइट के ऊपर, इस लॉकडाउन में डाइट को कैसे मैनेज रखें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एक्चुअली अभी जो सिचुएशन चल रही है, आप 100% डाइट को मैनेज नहीं रख सकते। अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेजरली लोगों की। अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है प्रोटीन सोर्स का। मेरा भी मेजरली प्रोटीन सोर्स था चिकन और एग, जो कि अभी कम्प्लीटली ऑफ है। लेकिन भेज में भी प्रोटीन के बहुत सारे अच्छे सोर्स हैं, जैसे मिल्क, सोयाबीन, दाल, स्प्राउट्स और भी बहुत सारे चीज़ें। इसे आप डेली लाइफ में इंक्लूड करें, एटलीस्ट आपका प्रोटीन का इंटेक जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके कंप्लीट होगा। स्वीट्स या तो कम्प्लीटली ऑफ कर दें, इससे जितनी दूरी बनाएं उतना अच्छा है, या फिर कम से कम अमाउंट में लें। वैसे तो आप इसे अगर लाइफस्टाइल से ख़त्म ही कर देंगे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासकर ओबेसिटी, ओवरवेट जैसे लोगों के लिए तो स्वीट्स बहुत बड़ा दुश्मन है। दूसरा जो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप दिन भर घर में रह रहे हैं, टेस्टी टेस्टी खाना बन रहा है, कुछ ना कुछ बनते जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ज़रूरी है फ्राइड खाने को अवॉइड करने की। फ्राइड खाने से वेट गेन होगा, और अभी ये लॉकडाउन जिस तरह सिचुएशन चल रहा है हो सकता है बढ़ भी जाए। वैसे ऑफिशियली अभी तक अनाउंस तो नहीं हुआ है, देखते हैं जो भी होगा मिलकर लड़ेंगे। तो अभी एटलीस्ट हमें ये करना है वेट गेन ना हो, वेट या तो लॉस हो या फिर वेट एटलीस्ट कांस्टेंट रहे। लेकिन अगर फिर गेन हो जाएगा तो फिर उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और आप समझ सकते हैं एक्सरसाइज करने के दौरान कितना मेहनत करना पड़ता है। तीसरा, राइस और पोटैटो, इस दोनों को मैं एक साथ इंक्लूड करता हूँ। राइस, जितना वाइट राइस का बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली ब्राउन राइस तो हम लोग की तरफ मिलता भी नहीं है, इसलिए मैं वाइट राइस का मेजरली बात कर रहा हूँ। वाइट राइस मैं ये नहीं कर रहा कि बंद ही कर दें, लेकिन जितना कम से कम यूज करें। अगर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊँ तो अगर मैं 4 to 5 days रेगुलर वाइट राइस खाऊँ तो मेरा वेट बढ़ने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वाइट राइस खाता ही नहीं हूँ, खाता हूँ लेकिन लिमिट अमाउंट में, बिल्कुल बैलेंस वे में। ज़्यादा से ज़्यादा मैं रोटी कंज्यूम करता हूँ, उसके साथ कभी कभी राइस ले लेता हूँ ताकि क्रेविंग्स ना हो। पोटैटो भी कम से कम यूज करें। हालांकि अभी जो सिचुएशन चल रही है तो खाने में ज़्यादा तो पोटैटो ही यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसे अवॉइड करें। पानी बहुत सारा पिएं, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। फीमेल के लिए एटलीस्ट 3 liters, मेल के लिए 4 liters। अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं तो इसे अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस ना लें, हालांकि जो सिचुएशन है तो स्ट्रेस होगा ही, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो खुद को बिजी रखें, इंटरटेन रखें, और स्ट्रेस से दूर रखें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। न्यूज़ तो सुनना ही है, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ ऐसे भी हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो
तो न्यूज लें, कहाँ क्या चल रहा है, किस स्टेट का क्या कंडीशन है, तो ये जानना बहुत जरूरी है, ये सब लेते रहें। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि दिन भर आप न्यूज के ही सामने बैठे रहें, इससे फिर माइंड पूरा फौच फौच हो जाता है, खासकर अमेरिका का जो सिचुएशन चल रहा है, ये खैर छोड़िए, आप लोग सब समझ ही रहे हैं। तो डाइट को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोशिश करें हेल्दी रखने की। हालांकि सिचुएशन आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, घर में जो रखा है उसे ही यूज करना है, तो उसे ही बस अपने तरीके से अच्छे से हेल्दी वे में कंज्यूम करना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, टेंशन नहीं लेना है, जो भी होगा मिल के लड़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।